डे टू ऑफ कार मॉडिफिकेशन और अभी 15 मिनट है मोमो डिटेलिंग कार वर्कशॉप पे पहुंचने में और बाकी मैं हूँ गुलबर्ग रोड में। ओनली 10-15 मिनट्स में हम पहुंच जाएंगे। अच्छा बाय द वे, मैंने आना था बाहर वाली रोडों से और अगर मैं उन रोड से आता तो मैं अभी तक इजीली पहुंच चुका होता और कार मॉडिफिकेशन स्टार्ट हो चुकी होती। बाय द वे तुम स्टीयरिंग देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है, माशाल्लाह। तो हाँ, अगर मैं बाहर वाली रोड से आता तो अभी तक मैं पहुंच चुका होता और डिटेलिंग स्टार्ट हो चुकी होती, बट अनफॉर्चुनेटली रोड्स बंद थी बाहर वाली, सो दैट्स व्हाई मुझे इन्हीं रोड से आना पड़ा। 15 मिनट्स लेटर फाइनली हम मोमो ऑटोमार्ट रैप डिटेलिंग स्टूडियो में पहुंच चुके हैं। फाइनली द डे हैज कम। एक टाइम पे मेरा ड्रीम था कि मैं कभी ना कभी जिंदगी में एक दफा कार रैप करवाऊं, बट सच बताऊं तो ना कभी इतने पैसे थे और ना कभी घर वालों ने अलाउ किया, क्योंकि सब पर लगता था कि कार रैप करवाने से कार का पेंट खराब हो जाता है और रैप बहुत महंगा होता है। नो डाउट, कोई शक नहीं है, रैप बहुत महंगा होता है। मैं तुम लोगों को एंड पे बताऊंगा कि क्या प्राइस बनी इसकी। बाकी हाँ यार, मेरा सच में ये ड्रीम था कि मैं कभी ना कभी जिंदगी में एक दफा कार को रैप करवाऊं। बाकी तुम लोग देख सकते हो हाफ काम तो हो ही चुका है, जैसे कि फ्रंट लिप लग गया है, फ्रंट एक्स का बम्पर लग गया है और अब प्रोसेस स्टार्ट होने लगा है रैपिंग का। कार को रैप होने में 2-3 दिन लगते हैं। अगेन मैं कह रहा हूँ, कार को रैप होने में 2-3 दिन लगते हैं अगर रैपिंग अच्छी हो तो। अच्छा तो तुम लोगों को बता दूं कि एक्चुअली कर क्या रहे हैं। मैं एक न्यू स्पॉइलर लगवाने वाला हूं। सबसे पहले मैं तुम लोगों को दिखाता हूं कि वो स्पॉइलर है किस तरह का। ये वो स्पॉइलर है गाइस, और इसको भी हम फुल ब्लैक कर देंगे, रैप कर देंगे। बहुत ही प्यारा स्पॉइलर है। अभी तुम लोगों को मुझे पता है बहुत बड़ा लग रहा है और बहुत ही फजूल सा लग रहा होगा, बट यकीन मानो यही बड़ा स्पॉइलर पूरी कार की लुक का कारण होगा। नाज़रीन आप देख सकते हैं ये दो इंसान जो हैं गुस्से में आ चुके हैं और इन्होंने अब जिद ठान ली है कि स्पॉइलर को निकालना ही निकालना है। बाकी देखते हैं। कैमरामैन रुमान के साथ जियो न्यूज मोटर्स मोमो स्पॉट लाहौर। अभी मैं तुम लोगों को एक ऐसे इंसान से रैप के बारे में पूछवाता हूँ कि रैप से क्या सच में कार्स की लुक्स खराब होती है, कार्स का पेंट खराब होता है, वो सब तुम लोग बताएंगे। और रैप का रीजन क्या होता है, जो कि कार मॉडिफिकेशन के तरह से ऑनर है, किंग है, वो बताएंगे तुम लोगों के रैप क्या होता है। जी सामा भाई कैसे हैं आप? जी रैप हम ऑलमोस्ट 7-8 साल से कर रहे हैं। रैप के नुकसान तो कोई भी नहीं है, फायदे ही फायदे। अगर आप गाड़ी को अगर 5-6 साल रख रहे हो और आपका कलर चेंज करने का जहन बन रहा है तो आप उसको अगर पेंट कराओगे तो आपकी गाड़ी सारी डिगेडी हो जाएगी। लेकिन अगर आप रैप करवाओगे तो आप अपनी गाड़ी जेन्युइन रखने के साथ साथ कलर भी चेंज कर सकते हो और एक न्यू लुक भी दे सकते हो। तो रैप का फ़ायदा ही फायदा है, नुकसान मेरे हिसाब से बिल्कुल। अच्छा बाकी ना, जब अपनी कार फुल मॉडिफाई हो जाएगी, फुल स्पोर्ट्स लुक में आ जाएगी, तब हम इसके नीचे कार पे जाकर उसकी फोटोशूट्स करेंगे और रील्स इंस्टाग्राम पे सब कुछ, टिकटॉक सब कुछ बनाएंगे। ये बहुत प्यारा है, इसके नीचे कार खड़ी करेंगे और क्या ज़बरदस्त लुक आएगा। ठीक हो गया यार, जरा अच्छे से काम करना है, जरा प्यारा सा मजा आना चाहिए। ठीक हो गया, ओके, मिलते हैं फिर एक दो तीन दिन बाद। तो अभी हम जा रहे हैं चाचू के साथ सर पे। ओहो, बाकी अलाफिस, एक दफा अलाफिस कर दे, गाड़ी को भी अलाफिस कर दो मैं एक मिनट। अलाफिस। तो बाकी 2-3 दिन बाद गाड़ी का हाल देखने को मिलेगा और उम्मीद है कि मजा आएगा। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है।
द नेक्स्ट डे डे 4 गाड़ी के बगैर भाई सच बताऊँ तो बड़ा अजीब लग रहा है। 3 दिन से मेरे घर गाड़ी नहीं खड़ी हुई, पापा एक गाड़ी खड़ी है, भाई की गाड़ी खड़ी है, सबकी गाड़ियाँ खड़ी हैं, बस मेरी गाड़ी नहीं खड़ी। बाकी कोई ना, सब्र का फल मीठा होता है, हमने सब्र किया 3 दिन और आज द डे हैज कम। हमने आज जाना है अपनी प्यारी सी स्पोर्ट्स गाड़ी को लेने, साथ में तुम्हें न्यू लुक भी दिखाने वाला हूँ इसकी ऑब्वियसली। बाकी इससे पहले हम जाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल चाचू के घर और फिर चाचू के साथ हम जाएंगे वर्कशॉप पे अपनी गाड़ी को लेने। हाँ अच्छा, तो अभी बज रहे हैं सुबह के 12। चाचू से पूछ देंगे क्या वो हमारी कार को मिस कर रहे हैं। बहुत ज्यादा। चाचू सही बताएं, अभी हम गाड़ी देखने जा रहे हैं, लेकिन आप कितना मिस कर रहे हैं गाड़ी को? बहुत ज्यादा यार। सीरियसली? क्योंकि वो व्हाइट से ब्लैक होने जा रही है। ओ भाई, ब्लैक हो गई होगी, ब्लैक हो गई होगी, समझो हो गई है, हो गई होगी। हाँ चलो देखते, अब जाके देखते हैं क्या सीन है जाके। क्या यार, बहुत नहीं थी अभी। हाँ अभी आना नहीं चाहिए था आपको। क्यों? फाइनल लुक ही नहीं थी उसकी। नहीं फाइनल लुक मैं भी कैमरे में नहीं दिखाऊंगा, ब्लॉग में नहीं देखनी चाहिए। नहीं मैं खुद भी नहीं देखता, बाकी मैं ब्लॉग में नहीं दिखाऊंगा, जब फुल रेडी हो जाएगी तब मैं दिखाऊंगा। गजब टूबी बाज आदमी, कैसे हो गई ये कार? अभी इस टाइम कार थोड़ी सी रह गई है, थोड़ी सी परसेंटेज रह गई है, बाकी आई थिंक 70-80% काम हो गया है। मेरे सामने खड़ी है बट ना माशाल्लाह। सुनाओ भाई, दिखाने नहीं, दिखाने नहीं, लेकिन ऐसे ये लास्ट इसकी हो जाएगी, फाइनल लुक हो जाएगी तो तब मैं आप लोगों को जाऊंगा, लेकिन जितना काम हुआ है। चाचू मजा आया है ना? एंड अभी हम ये स्पॉइलर लगवाएंगे, चलो भाई यार आना उतारना यार इसको, अब मैं कैसे उतारू, हाथ ही जा रहा हूँ। बस हवा निकल गई। तुम क्यों हंस रहे हैं, तुम इतना क्यों हंस रहे हैं? हम आपको देख के जैसे आप बता दो ना यार, ऐसे नहीं उतर रहा। फाइनली सीढ़ी आ चुकी है गाइस, बहुत गाना है। हम ये स्पॉइलर भागते हैं और भी हो सकता है, रैप ही हो सकता है, इसको रैप करवाएंगे, देख रहे हो कितना बड़ा देखोगा, मेरे जितना है भाई, मेरी इतना स्पॉइलर है, ये भी लगवाने वाले हैं। अच्छा ना? A few moments later. तो अभी जब तक गाड़ी का काम हो रहा है तब तक हम कुछ खा लेते हैं, वैसे भी नाश्ता नहीं किया हुआ, तो हम आए हैं अभी मैड क्रंच जो कि उसामा भाई का ही है। चाचू यू विल लव इट, मजा आएगा आपको। बाकी हमने ऑर्डर किया रैप, चिकन पीस, फ्राइज वगैरह, चेक करो। One hour later. So the time has come
Finally, all cars new look is here. Seriously, मुझे बहुत excitement हो रही है. So, अब मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ. Check करो. तो ये था आज का व्लॉग. उम्मीद है मुझे कि तुम लोगों को आज का व्लॉग बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही बेहतरीन लगा होगा. और बाकी सच बात बताऊं तो मुझे भी कार की मॉडिफिकेशंस करवाने का बहुत मजा आया है. मैंने इस पूरे प्रोसेस को बहुत ही ज्यादा इंजॉय किया. आई होप तुम लोगों ने भी सेम प्रोसेस इंजॉय किया होगा जैसे मैंने इंजॉय किया. बाकी अगर तुम इस चैनल पर न्यू हो और ये व्लॉग फर्स्ट टाइम देख रहे हो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और इस व्लॉग को शेयर कर दो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. और उस इंसान को जरूर शेयर करना जिसको कार मॉडिफिकेशंस का बहुत ज्यादा शौक है. और हाँ यार, मुझे कमेंट्स में बताते रहा करो कि कार को किस तरह मॉडिफाई करवाना है. मतलब कि अगर कोई इस गाड़ी में कमी लगी है तुम लोगों को तो मुझे बताओ, वो कमी भी दूर कर देंगे भाई. और हाँ, अब दो मुझे इजाजत. आई विल सी यू ऑन माय नेक्स्ट व्लॉग. ख्याल रखिए अपना बहुत सारा. पीस.